सिस्टम सो इन सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिस्टर लॉर्ड केल्विन सेड दैट इट इज इम्पॉसिबल दैट हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन विदाउट एक्सपेलिंग इट इनटू द सिंकर. एंड इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विद एफिशिएंसी ऑफ 100%. सो व्हाट जो कि हमने डिस्कस किया था कि सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि जो नेचुरल फ्लो है हीट का वो है हॉट टू कोल्ड, जिसमें वर्कड बाय द सिस्टम होता है. तो हीट जो है वो सप्लाई होती है फ्रॉम हॉट रिजर्वायर जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन बाय द इंजन विदाउट एक्सपेलिंग हीट. ये इनका था इट इज इम्पॉसिबल. तो इनको जो है ओवरकम किया, अपडेट किया मिस्टर सैडी कॉर्नर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड मैकेनिकल इंजीनियर. He investigated the laws of thermodynamics very well and he constructed his own ideal heat engine with reduced losses and improved efficiency. He also said that it is impossible to construct heat engine with efficiency of 100%, but you can improve it by taking some serious steps. So construction, iski construction kya thi? Ye paper work tha. Iski construction kya thi? Heat engine. It consists of a cylinder of non-conducting walls and conducting base. Non-conducting walls. अब यहां से वॉल से हीट जो है वो इंटर नहीं होगी. हीट जो है वो इंटर और इजेक्ट जो है वो थ्रो बेस होगी. non-conducting walls and conducting base fitted with frictionless movable piston. इसमें जो वर्किंग सबसे इन्होंने यूज किया था वो यूज किया था आइडियल गैस. एंड हीट रिजर्वायर सिंकर इंसुलेटर. कोई भी हीट इंजन है जो के परफॉर्म करते हैं बिटवीन हीट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर. तो आ जाते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर. वर्किंग प्रिंसिपल के इधर क्या था, इसके चार वर्किंग प्रिंसिपल है. कौन कौन से? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी इनिशियल स्टेप पर. हमने सपोज किया लेट V1, P1 एंड T1 आर इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर and temperature of the system. A system in which ideal gas is enclosed in a cylinder of non-conducting walls, conducting base. अब जैसे हम allow करेंगे, as piston is allowed to move upward. अब ये हम upward use कर रहे हैं mechanically. तो as piston is allowed to move upward. तो क्या होगा? गैस होगी एक्सपेंड. तो वॉल्यूम होगा इंक्रीज, प्रेशर होगा डिक्रीज. अब प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो जो हमने बताया, हमने जो डिस्कस किया था काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में, वो हमने ये डिस्कस किया था कि गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन. तो जैसे ही हम स्पेस क्रिएट करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा रिड्यूस. तो प्रेशर पहली बात तो डेवलप होता कैसे? बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर किसी की स्पीड डिफरेंट है. तो दे कैन कोलाइड विद ईच अदर एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर. इनकी स्पीड भी डिफरेंट है और स्पीड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है. कोई मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता अलोंग एक्स एक्सिस, कोई मॉलिक्यूल मूव करता अलोंग वाई एक्सिस, कोई मॉलिक्यूल मूव करता अलोंग जेड एक्सिस. तो स्पीड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, और डायरेक्शन और स्पीड डिफरेंट होने की वजह से मैक्सिमम चांसेस दे कैन कोलाइड विद ईच अदर और विद वॉल ऑफ कंटेनर, ड्यू टू विच प्रेशर कैन बी डेवलप. अब जैसे हमने स्पेस क्रिएट कर दिया तो प्रेशर हो गया डिक्रीज. प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसका मकसद है जो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे.
तो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो ड्यूरिंग कोलिजन आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो कि शिफ्ट हो रही थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमने लास्ट टाइम मैथमेटिकली प्रूफ भी किया था। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इन क्विक वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होता है और प्रेशर के डिक्रीज होने से मैक्सिमम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी रिड्यूस होती है और मैक्सिमम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिड्यूस होने से एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स वो भी रिड्यूस हो जाती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो उसका मकसद है टेम्परेचर भी रिड्यूस होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमने इस सिलेंडर को पुट प्लेस किया ऑन हीट रिजर्वर और हीट सप्लाई करके हम क्या करते हैं जो टेम्परेचर रिड्यूस होने जा रहा था उसको हमने कर दिया कांस्टेंट। अब वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करते रहेंगे वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि गैस एक्सपेंड भी हुई और टेम्परेचर मेंटेन भी रहा कांस्टेंट भी रहा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इस सिलेंडर को हम पुट प्लेस करते हैं ऑन इंसुलेटर। इसका मकसद ये है कि वॉल्स तो ऑलरेडी ही नॉन कंडक्टिंग है, अब इसका बेस भी नॉन कंडक्टिंग हो गया। अब किसी भी तरीके से हम हीट सप्लाई इसको नहीं कर रहे, तो अब होगा क्या, फर्दर हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं बाय मूविंग पिस्टन अप, तो अगेन वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इस दफा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी किस्म की हीट सप्लाई करके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब इस सिलेंडर को हम पुट प्लेस करेंगे ऑन सिंगर। अब सिंगर से अब हम मैकेनिकली दोबारा मैकेनिकली क्या करेंगे, अब गैस को करेंगे कंप्रेस। अब दो तरीके का रहे, या तो फिर आप पिस्टन के ऊपर लोड रखो या फिर आप मैकेनिकली उस पर फोर्स अप्लाई करो, यानी किसी ना किसी तरीके से आपको पिस्टन को मूव करना है डाउनवर्ड। अब होगा क्या, जैसे पिस्टन मूव करेगा डाउनवर्ड तो गैस होगी कंप्रेस यानी वॉल्यूम होगा डिक्रीज प्रेशर होगा इंक्रीज। प्रेशर के इंक्रीज होने से अगेन जो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू व्हिच टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हीट जो है वो इजेक्ट आउट करवा दी फ्रॉम द सिस्टम टू द सिंकर। अब होगा क्या, जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होने जा रहा था वो दोबारा रहा मेंटेन। अब टेम्परेचर भी रहा मेंटेनिंग कांस्टेंट रहा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये गैस कंप्रेस तो ये एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब उसके बाद दोबारा हम इसी सिलेंडर को पुट प्रेस करेंगे ऑन इंसुलेटर। अब हम दोबारा किसी तरीके से हीट सप्लाई तो नहीं करें, अब इजेक्ट आउट भी नहीं करेंगे, अब फर्दर हम लोड पुटअप करके हम या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके दोबारा हम क्या करेंगे, इस गैस को फर्दर जो है वो कंप्रेस करेंगे। इस सूरत में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा और अब तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी किस्म की हमने इंटरनल हीट जो है वो इजेक्ट आउट नहीं की इनटू द सिंकर, क्योंकि अब सिंकर नहीं, अब ये इंसुलेटर है। अब होगा क्या, जो आपका जो सिस्टम है जहां से स्टार्ट हुआ था वो कुछ चेंजेस के बाद रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर था T1 बाद में भी फाइनल स्टेट पर इसका टेम्परेचर सेम रहा, तो इस वजह से हम इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ये इसने कंप्लीट साइकिल कवर की है। अ सिस्टम विच रिटर्न बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, दैट सिस्टम इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। आफ्टर कवरिंग ऑल दिस प्रोसेस इट बिकम्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो हम इस वजह से इस प्रोसेस को जो कि चार अप्लाई किए इसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल, और ये आपका वर्किंग फंक्शन बता रहा था किसका, कार्नोट इंजन का। अब ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई ये जो चार प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो रिटर्न बैक करेगा। तो अब हम आ जाते हैं कि ये जो सिस्टम आपको वर्क कर रहा है बिटवीन टू रिजर्वायर, अब इसकी बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी पर आ जाते हैं, लेट सपोज करते हैं Q1 Q2 डेल्टा W। Q1 जो है वो आपका हीट आपकी जो कि सप्लाई हो रही है फ्रॉम हीट रिजर्वायर टू द सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम
अमाउंट ऑफ हीट इजेक्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम W और W आपका है वर्क डन बाय द सिस्टम अब इफिशियंसी हम निकालते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट अब इनपुट पे और आउटपुट में इनपुट पे हम दे रहे हैं हीट सप्लाई टू द सिस्टम और आउटपुट आपका है वर्क डन बाय द सिस्टम ये आपका हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम और इनपुट आपका है हीट सप्लाई टू द सिस्टम जिसको हमने सपोज किया Q1 अब इसको हमें परसेंटेज में निकालना है इफिशियंसी को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 अब यहां पर आ जाते हैं वर्क डन आपका कंप्लीटली यानी हीट आपकी कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रही वर्क डन में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक्सपेल हो रही है इनटू द सिंकर तो वर्क डन आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q2 तो यहां पर हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं एफिशिएंसी की तो ये Q1 आपका Q1 से भी डिवाइड होगा ये Q1 आपका Q2 से भी डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ हीट सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कार्नोट इंजन हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो हमें पता है कि Q1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फ्रॉम हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 तो ये टेम्परेचर आपका है हॉट बॉडी का हॉट रिजर्वायर का और ये T2 टेम्परेचर आपका है कोल्ड रिजर्वायर का तो इस हिसाब से जहां पर आपका Q2 है उधर आप यूज करोगे T2 और जहां पर आपका Q1 है उधर आप यूज करोगे T1 क्योंकि हीट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के तो ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क थैंक यू वेरी मच